नहीं, वो आज हमारे ऑफिस में किसी कारण छुट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पर ही आराम करूँ। ओके, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ किटी पार्टी। ओके, शाम को लौटूंगी। हाँ, ओके, बाय। अच्छा सुनो मीना, जरा मेरे कमरे में पोछा लगा दे। क्या कर रही थी अंदर तुम? हाँ, तुम अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मतलब मैं अंधी लग रही हूँ, पागल हूँ मैं? ऐसा कुछ भी नहीं, सब देखा है मैंने, सब देखा है। ओके, क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी अंदर, सच्ची बता, क्या कर रही थी? ओ, मेरा तो बस मेरे कमरे में पोछा लगा रही थी। पोछा लगा रही थी? पोछा लगा रही थी? ऐसे पोछा लगा रही थी? उसके कपड़े देखो, बाल देखो उसके, ये पोछा लगा रही थी अंदर? पागल नहीं हूं मैं, समझ रहे हो तुम? तुम्हें गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं बोल। ऐसा कुछ भी नहीं है पायल, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें जो भी लग रहा है वो सब गलत 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 है। शट अप, डोंट टच मी। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, फिर ध्यान से सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज पायल, मुझे माफ, मैं तुम्हारे पैर माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया ना तो अंदर डाल दूंगी। साहब आप जल्दी घर आ जाओ, सब मैं मीना बोल रही हूँ।
हाँ सर आप जल्दी घर आ जाओ, वो मेन साहब है ना, पता नहीं किसी अनजान आदमी के साथ रूम में कब से बैठी हुई है। हाँ हाँ साहब आप एक बार घर आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है सर। कौन था वो? क्या मैं पूछता हूँ कौन था वो? अरे क्या हुआ आप भड़क? वो इस वक्त थे इस कमरे में था, क्या कर रहा था वो यहाँ पर? अरे दिनेश मेरी बात, वो यहाँ पर इतनी देर से तुम्हारे पर्सनल बेडरूम में क्या कर रहा था? अरे सुनो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ शर्म नहीं आती? दिनेश मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, रिलैक्स। इसीलिए आज तुम ऑफिस नहीं गई ताकि तुम यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा सको? अरे जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है कुछ। दिनेश प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। दिनेश लिसन टू मी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी कुछ गलती है तो मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो यार। मुझे किसी पराये मर्द को तुम अपने बेडरूम में लेकर इतनी देर से बैठी हो, क्या सिर्फ बातें कर रही थी? काम करो, मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ डिवोर्स, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। डिवोर्स चाहिए? वाह, उस दिन जब तुमने गलती की थी तब ये नहीं सोचा था? हाँ एक आदमी चाहे कितनी भी गलती करे लेकिन एक औरत को घर के लिए समाज के लिए मजबूरी में उसे माफ करना पड़ता है, और वही चीज अगर एक औरत करे तो उसे सजा दी जाती है। अपने जुबान बंद रखो पायल। अरे ये तो समझ लो कि उस औरत ने ये गलती की भी है कि नहीं। पायल चुप रहो, अब मैं बोलूंगी। पता तुम्हें वो कौन था? वो एक डॉक्टर था। अभी मच बेटर है, ये देखो यहाँ से भी कम हुआ है। आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं वो कंटिन्यू रहती है। मेरी आंखों का इलाज चल रहा है, वो मुझे चेक करने आया था और इसीलिए वो अंदर था, और तुमने इसे गलत समझ लिया। अरे तो क्या बोल रहे थे तुम कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? अरे तुम क्या दोगे, मैं देती हूं तुम्हें, समझे? ऐसे गलत आदमी के साथ मैं रह भी नहीं सकती। हाय। अरे रमेश आज के दिन तुम इतना लेट आए, तुम्हें पता है ना हमारे ऑफिस की आज 25वीं ईयर की पार्टी, सब लोग जा चुके हैं यार। क्या बताऊं सर, इतना ट्रैफिक था कि मैं तो आते आते ही परेशान हो गया। सो सॉरी सर, सो सॉरी। खैर आओ अंदर आओ। सर मैंने ना आपको काफी बार कॉल किया, हम लोग ट्रैफिक में लेट हो रहे थे तो मैं सोचा आप परेशान होंगे तो मैं एक बार कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर दूँ, बट आपने अटेंड ही नहीं किया। हाँ आ यहाँ पर शोर शराबा कुछ ज्यादा ही था इसलिए शायद कॉल का पता नहीं चला। और आपकी पार्टी कैसे रही सर? पार्टी एकदम बढ़िया, बहुत हवा। और हाँ रमेश एक एक ड्रिंक बना दूँ? एक शॉट तो बनता है आज। हाँ भाई एक एक ड्रिंक तो बनता है। आपके लिए बना दूं एक? नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। अरे हमारी पार्टी है 25वीं ईयर की पार्टी तो एक पैक तो बनता ही। मतलब आज मेरा मन नहीं है पीने का। ठीक है ना सर, इतना फोर्स कर रहे हैं और पहली बार आप सर से मिली हैं, पहली बार इनके घर आकर आए हैं तो चलता है एक एक शॉट बनेगा, तो प्लीज एक पैक प्लीज। अरे नहीं आज प्लीज, आज मेरा मन नहीं है। प्लीज ना एक एक शॉट, एक पैक हमारी पार्टी के नाम।
गाइस चीयर्स 25 इयर्स कंप्लीट होने के लिए सर आपका घर बहुत खूबसूरत है मगर आपसे ज्यादा नहीं ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं सर ऐसे सर वैसे सर ये सर वो ये तो रमेश का प्यार है जो हमसे करता है तो ना हमें तारीफ के लायक कोई बात तो नहीं तारीफ तो बनता है सर इस शहर में आपसे बढ़कर कौन है भाई है ही नहीं तो गलत क्या कहा सो हम लोग निकलते हैं बिकॉज बहुत लेट हो गया है फिर कल ऑफिस आने में मैं लेट हो जाऊंगा सर हाँ ठीक है रमेश तो फिर कल ऑफिस में मिलते हैं बिल्कुल सर ओके नाइस टू मीट यू सर थैंक यू सो मच गुड नाइट सर बाय सर गुड नाइट बाय सर ओह सॉरी अरे रमेश जी सर दो मिनट जरा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है आप जी बताइए ना सर हाँ रमेश मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जी जी बोलिए रमेश मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है ऑफर बहुत सर ऐसे ऑफर क्या है सर अभी बता रहा हूँ रमेश पिछले हफ्ते तुमने मुझसे 1,00,000 रुपए मांगे थे जी सर मुझे बहुत नीड है सर क्या हो रमेश अगर तुम्हें 1,00,000 रुपए की बजाय पूरे 5,00,000 रुपए मिल जाए तो 5,00,000 सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू की जरूरत नहीं है रमेश बस इसके बदले मेरी एक छोटी सी शर्त है कि मुझे तुम्हारी बीवी रश्मि बहुत पसंद आई थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर है क्यों ना रमेश तुम उसे सिर्फ एक रात के लिए मेरे यहाँ भेज दो क्या बात कर रहे सर रश्मि बीवी है मेरी वाइफ है मेरी बोलने से पहले आप कुछ तो सोचिए सर रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपकी रिलैक्स रमेश काम डाउन फिर आप बोलने से पहले कुछ तो सोचिए सर देखो रमेश ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है और 5,00,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती अच्छे से सोच लो फिर मुझे बता देना ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक तो नहीं बताओ क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है ठीक हूँ देखो मैं तुम्हें जानती हूँ ठीक तुम ऐसे हो गया कुछ तो बताओ वो साला हरामखोर मेरा बॉस क्या किया बताते हुए शर्म आ रही है मुझे मतलब मुझे ऑफर करता है वो कमीना मुझे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें 5,00,000 रुपए देता हूँ और क्या तुम्हारी बीवी एक रात के लिए मेरे पास भेज दो तो अच्छी बात है ना तुमने ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ले लेते तुम पागल हो तुम क्या बोल रही हो मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ तुम समझ रही हो देखो उसके ऑफर को मैं फुलफिल ठीक है कमीनी के पास जाओगी साले को मार डालने की इच्छा हो रही है मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट करूंगी वेलकम रश्मि ये है हमारा छोटा सा गरीब खाना आखिर तुम आ ही गए मुझे तो आना ही था आपने मेरे पति को इतनी अच्छी ऑफर जो दी थी सच कहूं रश्मि मैंने जब से तुम्हें देखा है
दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। दिन में चैन है, मैं भी आपके बारे में बहुत सोचती हूँ। अब ऐसा लगता है कि ये शाम और भी रंगीन हो गई। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ ना, ये मैं आपको बता दूँ। आप शायद जानते नहीं हैं, मेरी और रमेश की शादी लव मैरिज है, और मेरा भाई जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपने वो क्या ऑफर दिया था मेरे पति को? मैं यहाँ आऊंगी तो आप उन्हें 5 लाख रुपए दोगे, ऐसा ही? आज मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 10 लाख रुपए। एक काम कीजिए, आप अपनी बीवी को मेरे भाई के पास भेज दीजिए, वो आपको 10 लाख रुपए दे देगा, चलेगा आपको? क्या पक रही हो तुम? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? तो आपने कैसे सोच लिया? हाँ, आपने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ आऊंगी और आप 5 लाख रुपए दे देंगे? आपको क्या लगता है हर औरत बिकाऊ है? अगर आपकी बीवी बिकाऊ नहीं है ना, तो रमेश की बीवी भी बिकाऊ नहीं है, समझे आप? I'm sorry, Ashu. You should be. And you better be sorry. नमस्ते सर। अरे नमस्ते मोहन यार, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही काम करते रहोगे, बहुत आगे तक जाओगे। सर आपकी मेहरबानी है। अरे हाँ, तुम्हें गुप्ता जी का याद है? हाँ हाँ सर, अभी जाता हूँ, गुप्ता जी से मीटिंग करके आता हूँ। हाँ तुम जाओ, और जो भी उनका रिवर्ट रहे मुझे कॉल पे बताना, सारी 1-1 मिनट की अपडेट देना मुझे। जी सर। ठीक है जी, चलो ओके। हेलो वीना। हाँ, वो जो प्रोजेक्ट दिया था वो हुआ? हाँ, एक्चुअली क्या है, मैंने मोहन को गुप्ता जी के पास में भेजा है, तो उससे रिवर्ट लेते रहना, तो जो भी हो मुझे बताना, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ फाइल्स देनी है तो तुम मेरे कैबिन में आओ ना। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो। हाय रीना। हाँ, वो पूना वाले क्लाइंट से बात हुई तुम्हारी? क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? रिस्पॉन्स तो बड़ा पॉजिटिव है और डील भी डन हो गई। अरे ग्रेट, पता है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हो। पर मेरा काम तो बढ़ गया ना, उनको आज के आज एग्रीमेंट बना के भेजना है मुझे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ओवर टाइम कर दो, यहाँ का काम खत्म करके फाइल लेके मेरे घर पे आ जाना। ओवर टाइम? यस ओवर टाइम। पर यार कब तक मुझसे ओवर टाइम कराओगे, कभी तो नॉर्मल टाइम पे काम कराओ। उसकी टेंशन तो मत लो, सब कुछ है। हाँ मोहन, वो मिकी ब्रदर्स का कुछ हुआ? जी सर, काम पूरा हो गया है, आपका वो मीटिंग फाइनल कर दें, फिर चला जाओ। हाँ बेशक चले जाओ, लेकिन परसेंटेज का थोड़ा ध्यान देना ना। ओके। हेलो। अरे रीना आओ। कैसे? बढ़िया, हो गया तुम्हारा काम? यार मेरे रोरोज के ओटेम से ना बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी स्टेप मदर मुझे बहुत परेशान करती है। सुनो तुम उसकी टेंशन मत लो, ये सब मैं देख, मैंने कुछ सोच रखा। क्या मेरा घर भी हो सकता है? यस, मैंने सब प्लानिंग करके जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ तुम वैसा कर सब। ठीक है। अरे आओ मोहन आओ, कैसे हो तुम? सर बहुत बढ़िया, जैसा आपने कहा था वैसे ही डील करके आया, और बहुत ही अच्छे परसेंट में करके आया सर। तुम्हारे काम की तो कोई कोई नहीं है यार, तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम काम करो, बैठो ना। और बताओ मोहन, शादी वादी हुई या नहीं? सर इस गरीब की कहाँ शादी, कौन अपनी लड़की देगा? अरे क्यों नहीं देगा यार, तुम्हारी शादी का जिम्मा मैं ले लूं, तुम सिर्फ तैयारी करो। सर गांव में तो माँ बहुत खुश हो जाएगी यह सुनकर कि मेरा घर बस रहा है,
अरे बसेगा क्यों नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ? तुम ये बताओ, तुम्हें रीना मैडम कैसी लगती? सर कहाँ रीना मैम और कहाँ मैं। अरे तुम उसकी छोड़ो, तुम ये बताओ कैसी लगती है? सर अच्छी तो लगती है सर। अच्छी लगती है ना जी। देख रीना मैडम को भी सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी करा दूं। सर बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा है ना, तो तू तैयारी कर, इस सब का जिम्मा मैं लेता हूँ। सर अरे रे तुम तो तैयारी करो, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है जी सर। काम हो गया है, तुमसे तैयारी करो। अरे रे मोहन आइए आइए। अरे मोहन ऐसे मत करो, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों की शादी हो गई। सर आपने तो मेरी लाइफ ही बना दी सर। ये तो मेरा फर्ज है यार, तुम दोनों मेरे एम्प्लॉय हो। आई एम प्राउड ऑफ यू मोहन, तुमने मेरा कहा माना। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ऑफिस में मिलते हैं ठीक है। अरे रे मोहन ध्यान रखो। देखा तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें घर भी मिल गया, पति भी मिल गया, और हम दोनों का काम भी चल रहा है। वाकई में तुम्हारी आईडिया काम कर रही। दिखा मेरा दिमाग। आज तो रीना को खुशखबरी देता हूँ, 3 दिन का काम 2 दिन में खत्म हो गया। खुश हो जाएगी देख के। जब से दिल्ली से आई मैं देखा तुम काफी परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ? तो ऐसे बन रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस को दोनों को एक साथ देख चुका हूँ। देखो अब तुम्हें सब पता चली गया तो मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है। तुम्हें तो पता है जो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती थी, और उससे बचने के लिए मुझे एक सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा मुझे बॉस ने मिला। पर तुमसे शादी करने के बाद अब मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चला अपने गांव अपनी माँ के पास। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम सब छोड़ सकोगी ये? हाँ मुझे अभी तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए। सच कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ। चलो अभी के अभी चलते हैं। ठीक है चलो। The number you have called is currently switched off. Please try after. The number you have called is currently switched off. Please try after some time. The number you have called is currently switched off. Please try after some time. The number you have called is currently switched off. Please try after some time. और रीना और मोहन ने शहर छोड़ दिया और गांव में अपनी माँ के पास चले गए। रीना को सास से मिलकर ऐसे लगा जैसे उसे अपनी सगी माँ मिल गई। मोहन की माँ ने भी रीना को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। Say.